तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा EEE सेकंड का ब्रह्मा सीरीज सेकंड है। आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी आपके थ्योरिकल पार्ट हैं आपके EEE सेकंड में, आपके जितने भी थ्योरिकल पार्ट हैं, जितने भी थ्योरी का पार्ट आता है, इन सभी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, थ्योरी में से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम और बता देंगे। और आज और कल में ही एक दो दिन में आपका सिंगल लाइन डायग्राम का वीडियो लेक्चर आ जाएगा सेपरेट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाया क्यों जाता है। देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 30 से लेकर के 40 नंबर का आपका क्वेश्चन जो कि ये आता है इंटरनल वायरिंग का, इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन तो 100% है ही कि आता ही है। इसलिए हम इंटरनल वायरिंग को आपको एकदम बेसिक से बनाना चाहते हैं। और आप इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर से देखें। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर आप EEE सेकंड के नोट्स आपने नहीं बनाए हैं और EEE सेकंड की तैयारी अगर आपने अच्छे से नहीं की है, तो आप EEE के नोट्स जरूर से ले लें। EEE के नोट्स जो कि है मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं, केवल और केवल 99 रुपये में आपको EEE के नोट्स दिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपने नोट्स लिए हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी की है तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी जो की है स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, जितने भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक कर रहे हैं वो PET का जो कि है फॉर्म अभी निकला है, इसको जरूर से भर देना। PET का फॉर्म जरूर से आप लोग भर देना। और साथ ही साथ PET की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, जैसे कि आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाया गया है, ऐसे ही आपको PET की तैयारी कराई जाएगी हमारे सेकंड चैनल पर, जिसका नाम है ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट। उस चैनल की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो पैट की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो बेसिक सी शॉर्ट परिभाषाएं बनती हैं तो वो आपकी कौन कौन सी बन सकती हैं। सबसे पहले आ सकता है कि स्टैटिक मशीन क्या होती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, स्थैतिक मशीन में घूमने वाले भाग नहीं होते हैं, मतलब कि एक ऐसी मशीन जिसमें घूमने वाले भाग रोटेटिंग पार्ट नहीं होते हैं, उसको हम स्टैटिक मशीन अर्थात स्थैतिक मशीन कहते हैं। डायनामिक मशीन क्या होता है, ऐसी मशीन जिसमें घूमने वाले भाग जैसे रोटर आदि लगे हुए होते हैं, उसको हम डायनामिक मशीन कहते हैं। वन फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह केवल वोल्टेज को ही चेंज करता है, यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। तो मतलब कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम वन फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, ताकि ये वोल्टेज तथा करंट के वेरिएबल मान का एक समान फ्रिक्वेंसी पर रख सकें। इसके बाद इसमें हम आगे लिखेंगे कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, तथा इसमें तीन वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं, तथा ये तीन वाइंडिंग मैग्नेटिकली आपके कपल्ड होती है, मतलब कि यह तीनों आपकी वाइंडिंग चुंबकीय शक्ति से जो कि है क्या कपलिंग होती है, मतलब कि जुड़ी हुई होती हैं। अब इसके बाद शॉर्ट परिभाषा में आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट डेफिनेशन में, कि मोटर क्या होता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर आप लोग बताएंगे जनरेटर क्या होता है और जनरेटर काम क्या करता है, एक लाइन की परिभाषा है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इंडक्शन मोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर मतलब कि प्रेरण मोटर एक ऐसी रोटेटिंग मशीन है जो इंडक्शन मतलब कि प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, और यह वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वन फेस इंडक्शन मोटर। देखिए, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एक मशीन है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किया जाता है। यह सिंगल फेस एसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है, इसलिए इसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी हम कहते हैं। अब इसके आगे हम लिखेंगे कि यह बहुत कम HP मतलब कि हॉर्स पावर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर की होती है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। अब इसके आगे हम अगला जो कि है पढ़ते हैं, क्या है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। देखिए, आप लोग जो JEE की तैयारी करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट, उन सभी लोगों को ये बेसिक सी परिभाषाएं पता होनी चाहिए।
अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, तो ये बेसिक सी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और आप सभी लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि 1 अगस्त से आपकी बहुत ही जल्द, जैसे ही आपके 6 सेमेस्टर के पेपर खत्म होंगे, इसी चैनल पर आपको जेई की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने को मिलेगी। आपको बहुत ही सरल आसान तरीके से एकदम बेसिक से आपको सिखाई जाएगी सारी चीजें, जैसे कि अभी तक जो कि आप लोगों के साथ करते आए हैं। ठीक, अब अगला क्या है हमारा, 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। यह है ऐसी मोटर जो 3 फेज AC सप्लाई पर कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, उसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक, इसके आगे लिखेंगे कि इसको स्टार्ट डिवाइजिंग की जरूरत नहीं होती है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है क्या, नीड ऑफ स्टार्टर। तो स्टार्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो ये हमने 5th सेमेस्टर में मशीन में पढ़ा है बहुत ही अच्छे से। तो इसलिए आप स्टार्टर को पढ़ लेना, कौन कौन से स्टार्टर होते हैं, कौन कौन से स्टार्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब स्टार्टर यूज्ड विद इंडक्शन मोटर, तो मतलब कि इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज कैसे करते हैं, या फिर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्न स्टार्टर का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पहला होता है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, चौथा होता है स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर सॉरी। ठीक, पांचवा हमारा होता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। पांच हमारे टोटल स्टार्टर होते हैं। इन पांचों स्टार्टर के बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब अगला हमारा जो कि टॉपिक आता है कंट्रोल, आपके कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट क्या होता है यह, देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या होता है आपका कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, आपका ये क्या करता है, आपका ये इसमें लिखेंगे कि वह सर्किट जो मोटर को कंट्रोल करता है, आपके कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट कहलाता है। ठीक, यह सर्किट कंट्रोल आपके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कार्य करता है, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सर्किट में रिले, आपके पुश बटन, कॉन्ट्रैक्टर आदि का यूज करके मोटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है। अब कंट्रोल सर्किट के कार्य क्या होते हैं, आपके कंट्रोल सर्किट के कार्य क्या क्या होते हैं, मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करने में, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज करने में, तीसरा हमारा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन में, और चौथा हमारा होता है क्या, आपके प्रोटेक्शन ETC में। इसका उपयोग जो कि है करते हैं हम किसका, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद आगे हमारा आता है क्या, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर एक मैकेनिकली स्विच डिवाइस होता है जो मेन कॉन्ट्रैक्टर की कंडीशन ऑन या NO या NC मतलब कि नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज होती है। आपके देखिए कॉन्ट्रैक्टर में निम्न भाग होते हैं, कौन कौन से, मेन कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होता है आपके कॉन्ट्रैक्टर कॉइल, तीसरा होता है ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, इसका यूज देखिए ओवरलोड या हाई वोल्टेज, ओवरलोड या हाई पावर वाले परिपथ को कंट्रोल करने के लिए, मोटर को स्विचिंग करने के लिए, इंडक्शन मोटर को ओपन या क्लोज करने के लिए। इसमें NO और NC कॉन्टैक्ट होते हैं जो सर्किट को ओपन या क्लोज करते हैं। इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगा होता है जिसका यूज कंट्रोल सर्किट को मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका यूज AC तथा DC दोनों पर किया जा सकता है। 16A, ठीक, आपका 6, 16, 26, 32 आदि रेंज के लिए कॉन्टैक्टर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अब इसके बाद देखिए इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट का डायग्राम आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए अगर आप लोग कहेंगे तो जो कि हम इसके स्क्रीनशॉट लेके आपके जो कि है टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप यहाँ से जाकर के इसको ले लेना। ठीक है, अब क्या है मेन कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्टर, इसका काम पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने में किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, तो इसका उपयोग हम मेन सप्लाई को ऑन या ऑफ करने में करते हैं। अब इसमें हमने आपको जो कि सभी भागों के बारे में नहीं बताया, तो हम बता दें कि ऊपर हमारी 3 फेज सप्लाई आ रही है, ये आपके क्या है मेन कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है ये वाले। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रोमैकेनिक आपके मैग्नेटिक रिले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या करती है, ये ऑटोमेटिक जैसे ही पीछे होती है तो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर आपके मेन कॉन्ट्रैक्टर से स्पर्श कर जाते हैं, छू जाते हैं और आपकी ऑन हो जाती है। ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पर नीचे लगी हुई है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आपके कंट्रोल सर्किट, तो आपके देखिए इसमें क्या क्या है, मेन स्विच, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, पावर स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली आपके कॉन्टैक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, फ्यूज, लिमिट आपके लिमिट स्विच और फ्लूट स्विच, इन सभी के बारे में।
बहुत ही डिटेल से हमने आपको पढ़ाया था ई डबल डी फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में, ई डबल डी सेकंड के फर्स्ट की वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के इन सभी को एकदम डिटेल से पढ़ लेना, जिससे कि आपको इसको पेपर में लिखने में काफी ज्यादा आसानी मिलेगी, ठीक। अगला हमारा टॉपिक आता है क्या, ओवरलोड या थर्मल रिले। तो ओवरलोड या थर्मल रिले क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यह एक ऐसी रिले है जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर को ओवरलोड कंडीशन में खराब होने से बचाती है। मतलब कि जब आपकी ओवरलोड की कंडीशन आती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर में, तो यह हमारी मोटर को खराब होने से क्या करती है, बचाती है। जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर की ओवरलोड आपकी कंडीशन उत्पन्न होती है, तो यह रिले ऑपरेट होकर मोटर के सर्किट को ब्रेक डाउन कर उस तक सप्लाई पहुंचाना बंद कर देती है, जिससे कि मोटर बंद हो जाती है और हमारी मोटर खराब होने से बच जाती है। अब इसके हमारे दो डायग्राम बनेंगे, एक बनेगा पावर वायरिंग डायग्राम और दूसरा बनेगा कंट्रोल डायग्राम। इसको हम आपके जो कि है टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो वहां से आप इसको देख लेना। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है अर्थिंग। अर्थिंग से एक क्वेश्चन आपका 99.9% बन सकता है, तो अर्थिंग जरूर से पढ़ के जाए कि अर्थिंग क्या होती है। हमने आपको देखिए ई आपके आईएमईडी में बताया अर्थिंग क्या होती है, यूडब्ल्यू में हमने पढ़ा कि अर्थिंग क्या होती है, और अब पूरा सेपरेट तरीके से अच्छी तरीके से हम ई डबल डी सेकेंड में समझते हैं कि अर्थिंग आखिर होती क्या है। इंट्रोडक्शन। किसी भी उपकरण की अर्थिंग करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉट से बच सकें, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक झटके से, बिजली के झटके से बच सकें, इसलिए हम उसको उपकरण की क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। कई बार हमारा उपकरण खराब हो जाता है, जिसके कारण उस उपकरण के धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आ जाता है, और जिससे छूने पर हमें करंट या झटका लग सकता है। तो इस प्रकार करंट से बचने के लिए हम उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जो भी करंट है वह उस अर्थिंग की मदद से सीधा धरती में चला जाए और हमें बिजली का झटका ना लगे। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को किसी तार के द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी हुई अर्थिंग प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को, इस अर्थिंग प्लेट से जोड़ देने की प्रक्रिया को हम अर्थिंग का नाम देते हैं। तो बहुत ही इजी था कि अर्थिंग क्या होती है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपके इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अर्थिंग के लिए कम प्रतिरोध वाले तार का उपयोग करते हैं, अब क्यों करते हैं हमने आपको कई बार हम बता चुके हैं। दूसरा है क्या, अर्थिंग के लिए मोटे व कॉपर तार का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आपका आता है क्या, अर्थिंग क्या उद्देश्य है, अर्थिंग करने के हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं, हमको अर्थिंग करने के क्या क्या लाभ होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लीकेज करंट को पृथ्वी में विसर्जित करना। ए आता है क्या, लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने का उद्देश्य न्यूट्रल वायर को अर्थ पर आपके पोटेंशियल पर बनाए रखने के लिए होता है। इसके बाद इसमें आगे देखेंगे हम अर्थिंग सिस्टम कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा डायग्राम बनाना होगा, ठीक। आपके ये है क्या, फेस तार, ये है न्यूट्रल तार, यहाँ पर आपका सौ टच, ठीक। आपके लीकेज करंट, इस तरह का डायग्राम आपको बना देना होगा, जिससे की सहायता से आप ये बताएंगे कि अर्थिंग सिस्टम हमारा कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, नॉर्मल कंडीशन में अर्थ वायर से कोई करंट नहीं फ्लो होता है। जब आपकी नॉर्मल कंडीशन होती है, तो हमारा जो अर्थ वायर हमने लगाया है उसमें कोई भी करंट नहीं बहता है। लेकिन जैसे ही जब कोई अब नॉर्मल कंडीशन, असामान्य स्थिति जैसे कि फॉल्ट, इंसुलेशन फेल हो जाना, ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं, तो लाइव वायर मशीन की बॉडी से टच हो जाता है। आपका जो लाइव वायर है वो क्या हो जाता है, बॉडी की मशीन से टच हो जाता है, ठीक। एडवांटेज क्या है, यह हमें करंट लगने से बचाता है। जैसे ही करंट लीकेज होता है या लीकेज करंट फ्लो होता है भूमि के संपर्क में आते ही, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है और MCV परिपथ को बंद कर देती है बा फ्यूज पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है। हमारा क्या होता है, फ्यूज पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। अब इसके बाद आगे क्या है, इसमें अर्थिंग को ट्रांसफॉर्मर, मोटर, अल्टरनेटर व सभी मशीनों से जोड़ के जो कि है दुर्घटना से बचा जा सकता है, दुर्घटना को कम किया जा सकता है। उपकरणों व आपके संस्थान में विद्युत धारा बहन करने भू बहाव पर बने हुए रहते हैं। उदासीन तार कहीं पीछे से टूट जाता है, तो आपका यह भू बहाव पर बना रहता है। अब क्या है हानि, क्या क्या हानि है इसकी, यह भू बहाव कहीं से अगर टूट जाता है खुला तार छूने के कारण भूक्षरण स्थिति में हो जाता है, जो विद्युत झटका में लग सकता है, ठीक।
भू आपके तार को उदासीन तार भी की भांति उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, जबकि इस स्थिति में ऐसा संभव है। भू यदि भू संपर्क प्रभावी व रिक्त प्रतिरोध मान का ना हो तो वह विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टाइप ऑफ अर्थिंग आती है आपकी, तो अर्थिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हमको जानना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले बाई चांस, वैसे तो आपसे क्वेश्चन जो बनेगा कि अर्थिंग क्या होती है इसके बारे में विस्तार से बताइए, या कोई भी एक अर्थिंग आपसे पूछ लेगा। तो अर्थिंग हमारी कितने प्रकार की होती है, पहली हमारी होती है स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। तो क्या होती है वायर अर्थिंग, देखिए स्ट्रिप और वायर अर्थिंग को हम उस जगह करते हैं जहां पर जो कि यह पथरीली जगह होती है, जिस जमीन में ज्यादा पत्थर होते हैं वहां पर हम किसको करते हैं, आपकी स्ट्रिप अर्थिंग को करते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं तो उन लोगों को ये चीजें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए तो क्या आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगी, जी हाँ, EDD की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहां पे हमने आपको एकदम डिटेल से बताया था कि अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ अर्थिंग और व्हाट इज अर्थिंग, इन दोनों के आपको जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इस वीडियो को छोटा बनाने के लिए और आपका टाइम कम वेस्ट करने के लिए हम इस टॉपिक को अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, और आपको अगर इसको समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई यह लिंक, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। पहली हमारी हो गई क्या, स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। दूसरी हो जाती है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग में क्या करते हैं, रॉड अर्थिंग का उपयोग हम उस जगह पर करते हैं जहां पर बालू ही बालू होती है, रेगिस्तान वगैरह में हम क्या करते हैं, रॉड अर्थिंग करते हैं। इसके बाद अगली हमारी आती है कॉयल अर्थिंग। कॉयल अर्थिंग क्या होता है, कॉयल अर्थिंग काफी जगहों पर देखने को मिलती है। इसका यूज लकड़ी के पोल, लाइट आपके लाइन पोल को भू संपर्क करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से हमारी कॉयल अर्थिंग होती है। ठीक, इस तरह की स्प्रिंग होती है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी अगली अर्थिंग जो आती है क्या, पाइप अर्थिंग। यह सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली अर्थिंग होती है। इस अर्थिंग के अंदर हम पाइप का प्रयोग करते हैं। इस अर्थिंग में आपके 28 mm व्यास की सतह की जो कि है छेद कर GI पाइप गड्ढे में बनाकर जो कि डाल दिया जाता है, और पाइप के द्वारा की गई अर्थिंग हमारी पाइप अर्थिंग कहलाती है। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगला देखिए हमारा आता है क्या, प्लेट अर्थिंग। लास्ट हमारी अर्थिंग आती है क्या, प्लेट अर्थिंग। इस तरह की अर्थिंग में कॉपर या जीआई प्लेट का यूज किया जाता है। कॉपर वायर का यूज कॉपर प्लेट पर और जीआई वायर का यूज जीआई प्लेट पर करते हैं। इस प्लेट का आकार 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.18 मीटर होता है। ठीक है, तो प्लेट अर्थिंग हमने आपको बता दी, टाइप ऑफ अर्थिंग बता दी। अब इंटरनल वायरिंग वाले रूल, तो आपके इंटरनल वायरिंग वाले रूल जितने भी थे आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आपको जरूर से पढ़ना है। बिल्कुल भी आपको जो कि है इसमें ढील नहीं डालना है। आपको ये वाले रूल जब तक आप लोग अच्छे से याद नहीं करेंगे, आप लोगों को अर्थिंग वाले क्वेश्चन, इंटरनल वायरिंग वाले क्वेश्चन समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपको इंटरनल वायरिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं समझ में, तो आप 90% पेवल सॉल्व कर सकते हो, 90% चीजों के बारे में सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अगला लेसन हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है लाइटिंग स्कीम। ये भी आपका थ्योरिकल पार्ट है, इसमें भी आपकी थ्योरी ही आएगी। केवल हमको इसमें ये समझना है कि प्रकाशीय योजना क्या होती है, मतलब कि हम किसी भी जगह पर प्रकाश की सही व्यवस्था किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से करते हैं। केवल इस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, थ्योरी है, बहुत ही ईजी है। ठीक, एक बार आप पढ़ लेते तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। देखिए प्रकाश योजना, सबसे पहले जानते हैं प्रकाश योजना लाइटिंग स्कीम होता क्या है। यह दो प्रकार की होती है, एक इंडोर लाइटिंग स्कीम और दूसरा होता है आउटडोर लाइटिंग स्कीम, मतलब कि ये घर के अंदर घर के बाहर। ठीक है, देखिए लाइटिंग स्कीम प्रकाश सप्लाई की सुव्यवस्था की धारणा को लाइटिंग योजना कहते हैं, मतलब कि प्रकाश की सही व्यवस्था करने को ही हम क्या कहते हैं, लाइटिंग स्कीम कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इसमें जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, कितने प्रकार के आपके होते हैं लाइटिंग स्कीम इसके बारे में जान ले। तो पहला आपका होता है डायरेक्ट लाइटिंग, दूसरा होता है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, ठीक, तीसरा आपका होता है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, चौथा हमारा होता है क्या, चौथा हमारा होता है आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग, और पांचवा हमारा होता है जनरल डिफ्यूजिंग लाइटिंग। ठीक है, अब देखिए जो कि है
ये तो आपके होगा टाइप ऑफ लाइटिंग क्या होता है। अब इसके बाद हमारा जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, बनता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में लाइटिंग स्कीम किस तरह से की जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम में सम्मेलन कक्ष में लाइट की व्यवस्था किस तरह से की जाती है, इसके बारे में हमको बताना होगा। देखिए एक आधुनिक आपके कॉन्फ्रेंस रूम में मतलब कि एक नेट मतलब आपके टेक्निकली आधुनिक रूप में आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम में लाइट फैन प्रोजेक्टर साउंड सिस्टम आदि की व्यवस्था होती है। कक्ष में प्रवेश तथा आपके कंट्रोल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्रकाश तथा कंट्रोल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आपके जो कॉन्फ्रेंस रूम में उसमें हमारी प्रकाश की व्यवस्था और कंट्रोल करने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिसमें सेंसर भी लगा होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस रूम में विद्युत एवं अन्य आपके व्यवस्थाओं को दर्शाने के CAD सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कॉन्फ्रेंस रूम का जो कि सर्किट डायग्राम आपका बनता है तो इस तरह से बनता है। सबसे ऊपर हमारा लगा होता है 3-phase 4-wire सप्लाई सिस्टम, इसके बाद आपका होता है एनर्जी मीटर, इसके बाद होता है मेन स्विच, फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विच। इसी तरह से आपका जो कि इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, किसका, कॉन्फ्रेंस कक्ष का सिंगल लाइन डायग्राम। हमारा सर्किट डायग्राम इस तरह से जो कि है बनता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत ही इजी डायग्राम है। इसके बाद हमारा आगे आता है क्या, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ थिएटर, मतलब कि आपके लाइटिंग सिस्टम थिएटर में किस तरह से लाइटिंग सिस्टम करते हैं, आपके स्कीमेटिक डायग्राम उसका हमें बनाना है। साथ ही साथ एक आधुनिक आपके थिएटर में एक आधुनिक थिएटर में लाइट फैन पावर पॉइंट और आपके एग्जस्ट फैन, आपके ग्लो लाइट, ठीक, आपके गलियारा लाइट, आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन सेंसर, वीडियो ऑडियो आदि परिपथ की व्यवस्था की जाती है, जिसको डिजाइन करने के लिए CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो कॉन्फ्रेंस रूम और आपके थिएटर रूम में हम किसका CAD आपके सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सिनेमा का वितरण व्यवस्था मतलब कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन उसका लेआउट प्लान बनेगा वो आपका ये है, सबसे ऊपर थ्री फेज 4-wire सप्लाई है, एनर्जी मीटर है, मेन स्विच है। केवल यहाँ पर नीचे आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको चित्र में, यहाँ पर क्या है 3-phase 4-wire इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सहित, क्या है, सप्लाई के लिए मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सहित। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा इसमें आता है आपके स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाइट की व्यवस्था हम किस तरह से करेंगे, लाइटिंग स्कीम हमारी क्या होगी। देखिए स्टेडियम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडोर स्टेडियम और एक होता है आउटडोर स्टेडियम। दोनों स्थितियों में प्रकाश पंखा तथा पावर पॉइंट की व्यवस्था की जाती है, प्रकाश पंखा और पावर पॉइंट की व्यवस्था की जाती है। स्टेडियम में अलग अलग विभिन्न प्रकार के कक्ष होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, आपके कम्युनिकेशन, आपके फिट कंप्यूटर, आपके कम्युनिकेशन फिटनेस, ठीक, आपके मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी उपकरण, चिकित्सा ऑफिस, पत्रकार, फायर, आपके इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, AC न्यूट्रल रूम आदि, इसमें क्या होती है, व्यवस्था होती है स्टेडियम रूम में, ठीक है, स्टेडियम में। और आपके स्टेडियम में विद्युत सप्लाई देने के लिए एक सब स्टेशन भी होता है। स्टेडियम की प्रकाश व्यवस्था हेतु CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, इसमें भी सेम है क्या, 11 और 0.4 KV सब स्टेशन उपयोग करते हैं यहाँ पर, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। एनर्जी मीटर आपका लगा है, ये मेन स्विच है, मुख्य वितरण व्यवस्था है और विभिन्न कक्ष एवं बाहरी व्यवस्था के लिए यहाँ से हमारी लाइन जाएगी। इस तरह से स्टेडियम का और आपके थिएटर का, ठीक, और कॉन्फ्रेंस रूम, इन तीन में से एक आपका 100% पूछेगा। अब अगला हमारा लेसन आता है सब स्टेशन। सब स्टेशन लेसन में जितने भी थ्योरिकल पार्ट हैं उन सभी को कवर करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में आपका बचा हुआ जितना भी EEE में है, ठीक, पावर वायरिंग वगैरह है, तो अलग से एक वीडियो लेक्चर और बना देंगे। तो EEE सेकंड के आपके लगभग 2 से 3-4 वीडियो लेक्चर आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब सब स्टेशन में क्या है, भवन के अंदर स्थित उपकेंद्र, मतलब क्या कहलाते हैं, इंडोर सब स्टेशन। ऐसे सब स्टेशन जिनको हम भवन के अंदर बनाते हैं उनको हम इंडोर सब स्टेशन कहते हैं। वे सब स्टेशन जो भवन के अंदर होते हैं उन्हें इंडोर सब स्टेशन कहते हैं। यह 11 से 0.4 KV 400 वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए होते हैं। जहाँ हानिकारक गैस निकलती है वहाँ
33 केवी से 66 केवी के सब स्टेशन भी इंडोर हो सकते हैं। इंडोर सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडोर सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 केवी की हमारी लाइन आ रही है। यहाँ से तड़ित चालक आपके जो कि है लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सिंबल आपके लाइटिंग अरेस्टर के ही होते हैं, ठीक। तड़ित चालक, तड़ित रोधक सॉरी। इसके बाद आइसोलेटर आपका लगा है। सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर ओसीबी क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, ओसीबी का मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। कहीं पर साइड में आप नोट डाउन कर ले इसको। इसके बाद तड़ित चालक आपका है, तड़ित रोधक आपका लगा हुआ है, ये आइसोलेटर लगा हुआ है, ये करंट ट्रांसफॉर्मर है, ओसीबी एक और है आपके दो, ठीक। ट्रांसफॉर्मर आपके ये लगे हुए हैं, ओसीबी एक और लगा है, सीटी लगा हुआ है, आइसोलेटर लगा हुआ है, बस कपलर लगा हुआ है और यहाँ पर फीडर नीचे लगे हुए हैं। बहुत ही इजी डायग्राम है। अगर आप चाहें तो एक या दो बार आप इसको बनाएंगे, आपको बहुत ही आसान तरीके से यह जो कि है याद होने वाला है। अब इसके बाद आपका अगला आता है इनडोर सब स्टेशन का बहु लाइन डायग्राम। इनडोर सब स्टेशन का बहु लाइन डायग्राम ये थोड़ा सा कठिन होने वाला है, लेकिन इसको भी अगर आप एक से दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक। फॉर एसटी ओवरलोड लाइन मतलब कि हाई टेंशन ओवरलोड ओवरहेड लाइन के लिए आपका क्या है? इंडोर सब स्टेशन का बहु लाइन डायग्राम आपका है ये। दड़ित रोधक आपके यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद ट्रिप पोल इंसुलेटर 11 केवी के लिए, ठीक। एचटी फ्यूज लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपका लगा हुआ है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपका पूरा लगा हुआ है। इसके बाद नीचे आ जाता है LTOCB, ठीक। लो टेंशन ओवर करंट आपका ओवर कॉइल सर्किट ब्रेकर, ठीक। सूचक लैंप आपके ग्रीन और रेड लगे हुए हैं। ट्रिप कॉइल लगी हुई है, ठीक है। अतिभार रिले यहाँ पर लगी हुई है, ठीक। आपके ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर 3 फेज, ठीक है। इसके बाद CT करंट ट्रांसफार्मर धारा परिमाण आपका परिणामित्र से आपका 600 वोल्ट 5A और 15 वोल्ट एम्पीयर के लिए, ठीक। ये P है, ये S है। इसी तरह से आपका रोटर आपके रोटरी स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, LT बस बार लगा हुआ है और सारी इक्विपमेंट आपको यहाँ पर लगे दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक से दो बार इसको भी बनाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है आपका ये भी, ठीक। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है उसके बारे में हम समझते हैं। जो अगला हमारा थ्योरिकल टॉपिक आ सकता है उसमें आपसे पूछ सकता है क्या इंडोर सबस्टेशन हेतु आवश्यक सामग्री मतलब कि इंडोर सबस्टेशन में उपयोग किए जाने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है? पहला होता है तड़ित रोधक, ठीक। लाइटिंग अरेस्टर, ठीक। लाइटिंग अरेस्टर 2 सेट लगेंगे, आइसोलेटर के 2 सेट, उच्च वोल्टता फ्यूज सेट 1 है, ठीक। परिणामित्र ट्रांसफार्मर 1 है। तो आपके ट्रांसफार्मर कमरा कितने हैं? 1 है। स्विच गियर कमरा कितने हैं? 1 है। निम्न वोल्टता परिपथ भंजन क्या है? 1। निम्न वोल्टता मापन और सूचक बा कितने हैं? 1 सेट है। विभिन्न आपके निम्न वोल्टता स्विच गियर क्या है? परिपथ संरचना आपका संरचना अनुसार है। निम्न वोल्टता संयोजन क्या है आपका? ठीक। उपकेंद्र पंखा प्रकाश पंखा व तार स्थापना सामग्री LT फ्यूज सेट 1 है, ठीक। एनर्जी मीटर 1 है। भू संपर्कन सेट आवश्यकता अनुसार, तो मतलब कि इंडोर सब स्टेशन में जो जो इक्विपमेंट आपके जो जो सामग्री आपकी उपयोग की जाती है उन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब भवन के अंदर इंडोर सब स्टेशन स्थित उपकेंद्र, भवन के अंदर स्थापित सब स्टेशन, भवन के बाहर स्थापित सब स्टेशन सॉरी आउटडोर सब स्टेशन है ये। तो ऐसे सब स्टेशन जिनको हम भवन के बाहर बनाते हैं अर्थात भवन के बाहर स्थित सब स्टेशन को हम आउटडोर सब स्टेशन कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है खंभे पर स्थापित आपके उपकेंद्र, ठीक। पोल माउंटेड सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पर देखते हैं कि भवन के बाहर स्थापित वह सब स्टेशन जो पोल पर स्थापित होते हैं उन्हें पोल माउंटेड सब स्टेशन कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो आगे आपका यहाँ पर आउटडोर सब स्टेशन का डायग्राम दिया गया है। आपके खम्भे पर किस तरह से सब स्टेशन स्थापित होता है इसका डायग्राम दिया गया है। तो अब इसकी फोटो हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो वहां से आप देख लेना। यहाँ पर क्या है, 11 केवी की लाइन गई है। यहाँ पर आपका तड़ित रोधक लगा है, MS चैनल लगा है, 11 केवी डिस्क इंसुलेटर लगे हुए हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 11 केवी पिन इंसुलेटर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर फ्यूज सेट लगे हुए हैं, ठीक। 11 केवी यहाँ पर है,
11 केवी ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर रखा हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, वॉल वेट वायर यहाँ पर लगा हुआ है, उपयुक्त लाइन TPNIC स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, और नीचे आपका ये बेस बना हुआ है सीमेंट और बजरी का, ठीक, जिसमें आपका खम्मा गड़ा हुआ है। तो सिंपल सा डायग्राम है, अगर आप लोग चाहे तो बहुत ही इजी तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब आपका आ जाता है अगला, क्या अगला आपके क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पोल माउंटेड सबस्टेशन में उपयोग किए जाने वाली सामग्री कौन कौन सी है, या तो पूछेगा इंडोर सबस्टेशन में या पूछेगा पोल माउंटेड सबस्टेशन में उपयोग किए जाने वाली सामग्री। इसमें क्या क्या है, आवश्यक आधार खम्भे, पोल्स आवश्यकता अनुसार संरचना हेतु, ठीक, तनाव आपके प्रवक्तक, टेंशन इंसुलेटर, वित्त आपके फिटिंग, तड़ित रोधक आपके लाइटिंग अरेस्टर, TPMO ट्रिपली आपके पोल, मैनुअली ऑपरेट स्विच, उच्च वोल्टता फ्यूज सेट, ट्रांसफॉर्मर, एमएस चैनल आपका 100x50x5-8 mm का, ठीक, पोल आपके क्लैप्स है, ठीक, खतरा आपके क्लैंप सहित है। इसके बाद आपका क्या है, वायरवेड तार है, स्टोन पैड्स है, ACSR चालक तार है 15 mm, ठीक, LT फ्यूज सेट है, स्टे व्यवस्था है, भू संपर्क व्यवस्था है, नट बोल्ट आपके वाशर है, सीमेंट कंक्रीट है, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई गई हैं, सारी चीज़ें आपकी इसी में लिखी गई हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो एक बार में ही इसको बना करके आप तैयार कर सकते हैं, और इसको जो कि है बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका अगला आता है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सबस्टेशन। तो सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, ठीक, सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जितने भी सिंगल लाइन डायग्राम हैं, हम इन सभी को आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम के साथ इनको पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो देखिए, सब स्टेशन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हुए और जितने भी थ्योरिकल पार्ट आपके इसमें थे, उन सभी को हमने कवर कर दिया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो कि है हमारी EEE में जितना भी पोर्शन आपका बचा हुआ है उसको कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा सिंगल लाइन डायग्राम समझने के लिए इंटरनल वायरिंग का, तो वो आपका कल आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। 16 तारीख तक आपकी बढ़िया तैयारी करा दी जाएगी, और आप लोग जो लोग भी पॉलिटेक्निक में हैं, पैट का एग्जाम जरूर से दें, पैट का एग्जाम आप लोग जरूर से दें, और इसका फॉर्म भी जरूर से भर दें, ठीक। और साथ ही साथ पैट की तैयारी हमारे न्यू चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट पर कराई जा रही है, ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट 07 पर कराई जा रही है। आप यहां पर जाकर पैट की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें, जैसे ही आपके पेपर ख़त्म हो पूरा ध्यान अपनी पैट की तैयारी में लगा दें। इसके बाद 1 अगस्त से आपकी जो कि है JEE की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स JEE की तैयारी करना चाहते हैं JEE की तैयारी करें, और जो स्टूडेंट पैट की तैयारी करना चाहते हैं पैट की तैयारी करें, हमारे नए वाले चैनल पर JEE की क्लास आपकी इसी चैनल पर लगेगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। EEE सेकंड के नोट्स केवल और केवल 99 रुपये में दिए जा रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स को लेना है तो वो हमारे नंबर 8738816305 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।